गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 28 जनवरी का एडुअल डिस्कशन हम शुरू करते हैं। उससे पहला आर्टिकल हम लेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बजट टू 23-24। उसमें जो कुछ चीजें हैं उसको हम समझेंगे बजट के हवाले से जो भी आने वाला है, और साथ ही साथ हम इंटेलेक्चुअल क्राइसिस को देखेंगे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में है। एक आर्टिकल है इन्फॉर्मेटिव है, उसको देखेंगे। प्री मेंस दोनों को कवर करता है काफी एस्पेक्ट, और लास्ट है हमारा ग्राउंड वाटर गवर्नेंस को लेके जो प्री और मेंस के कई एस्पेक्ट को कवर करता है। तो पहला हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन हमारे बजट से क्या है, कि सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो खतरा है वो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जो है इशू है, सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं CAD जो हम समझते हैं, और इसके साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है। नाउ ध्यान दीजिए कि जब हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट कम है, तो ये सिचुएशन बनती है। उस केस में हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो ज्यादा, जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब कमी ज्यादा हो जाती है और प्लस में हम कम रहते हैं। सरप्लस भी होता है, बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट की है, जिससे हमारे ऊपर जब पैसा, ध्यान दीजिए, जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, और जब एक्सपोर्ट हम कम करेंगे तो हमें क्या होगा, पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। उस केस में हम अपने एक्सपेंडिचर जो हम जिसके आधार पर हम पॉलिसीज को बनाते हैं, अपने देश में इन्वेस्टमेंट को पुट इन करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पैसे को पॉलिसीज बनाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उसमें भी कमी आती है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो हमारे लिए एक समस्या, इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है। अब ये आर्टिकल कहता है कि आने वाले बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो उस बात को एड्रेस करेंगी, और क्या और समाधान क्या हो सकता है, कि शी विल लुक टू रेस कस्टम्स। कस्टम मतलब बाहर से जो माल हमारे देश में आता है उसके ऊपर आप कस्टम्स लगा दीजिए अपने इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए। तो जिससे जब कस्टमर बढ़ा दोगे तो बाहर से आने वाले नंबर्स भी कम हो जाएंगे और हमारे ऊपर इम्पोर्ट बिल में फायदा पड़ेगा। साथ ही साथ वाइल ट्राइंग टू इंश्योर इंडियन प्रोड्यूसर्स डू नॉट लूज आउट ऑन द इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स विद प्रोहिबिटेड और इन्वर्टेड डे स्ट्रक्चर्स फॉर इनपुट्स एंड इंटरमीडिएटरीज। वो कह रहे हैं कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लूज ना करें इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटी, मतलब जहां जहां पे वो बाहर के एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो डिमांड सप्लाई के आधार पर, सो उसमें इंटीग्रेशन करते रहें, सो दैट कि वो क्या होगा, विद प्रोहिबिटिव और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये प्रोहिबिटेड मतलब जिसको रोका जा सके, ड्यूटी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए फॉर इनपुट्स एंड इंटरमीडिएटरीज। ये हमारे प्रोड्यूसर्स को ध्यान देना होगा कि जब हम खुद ही कस्टम लगा रहे हैं तो वो ऐसे किसी वैल्यू चेन में इन्वॉल्व ना हो, और अगर होते हैं तो ड्यूटी इंपैक्ट जो आता है इम्पोर्ट करने में उसको ध्यान में रखें, जिससे क्या होगा हमारे ऊपर जो जो करेंसी प्रेशर कम रहेगा, पेमेंट प्रेशर कम रहेगा, और हम इंटरमीडिएटरीज को हमको बिजनेस भी मिलता रहेगा। नाउ द एक्सपोर्ट इंजन दैट हैज ड्रिवन इंडियाज ग्रोथ वेल्थ रिसेंटली इज लाइकली टू फ्लाउंडर दिस ईयर इवन इफ द रिसेशन इज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज माइल्डर देन एंटीसिपेटेड। जो अभी कुछ दिन पहले कल आर्टिकल भी था इंडियन एक्सप्रेस में, वो कह रहे हैं कि रिसेशन का जो प्रभाव हमारे देश में आना था वो उतना नहीं आ पाया है और इंडिया काफी बेटर कर रहा है। नाउ ग्रोथ जो हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 7% से है, लोअर देन 7% से कम है जो हम GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड द चैलेंज इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग बिलो 6%, और वो 6% से नीचे ना चली जाए। जो मतलब थ्रेशोल्ड हम लेके चलते हैं, स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है कि 7% से कम तो रहे पर इतना भी नहीं कि 2-3% नहीं चली जाए। उस केस में क्या करना है कि द बजट विल परसिस्ट विद द पब्लिक केपेक्स पुश। केपेक्स से मतलब जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पैसा इंजेक्ट करती है सरकार वो करे, पब्लिक केपेक्स में पुश करे, मतलब और इंजेक्ट करे, और जिसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ध्यान में कवर करते हुए अक्रॉस द बोर्ड, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेते हुए भी उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बेटर कर रहे हैं इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी से बेटर कर रहे हैं, और अब हमारे जो इम्पैक्ट तो है लेकिन उतना नहीं जितना हम लोग डर रहे थे, जितना कि IMF की MD ने कहा था कि भाई रिसेशन आ रहा है डेवलप्ड इकोनॉमीज में और इंडिया पे इम्पैक्ट डाल सकता, तो उतना रेडिकल नहीं है। चंक ऑफ रेजिडुअल रिसोर्सेज शैल बी इमार्क्ड फॉर हायर रूलर एंड सोशल वेलफेयर। वो कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर, हायर रूलर वेलफेयर में इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी एज वेल एज फॉर सच स्कीम्स एज मनरेगा एंड PM किसान। तो आप ध्यान दीजिए मनरेगा की पेमेंट पेंडिंग है, साथ ही साथ क्योंकि
2020 कोविड के इम्पैक्ट के बाद, बड़े इम्पैक्ट के बाद सारी इकोनॉमीज में एक ट्रबल सा क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो केपेक्स एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट इंडिया के लेवल से होना चाहिए था वो भी उस लेवल से नहीं हुआ। लेकिन अभी लास्ट मंथ की रिपोर्ट है कि केपेक्स इन्वेस्टमेंट इंडिया जो पब्लिक सेक्टर है वो ज्यादा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कुछ ये मान के चल रहा था कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो थोड़ा नेगेटिव साइन दे रही है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में था, कुछ समय बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर अब जबकि बजट सेशन शुरू हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में बटा हुआ होता है, दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है, ऐसे कहना चाहिए। हम जानते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद है? तो जब ये तीनों, जब ये पार्टनरशिप है ही और इनकी हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है, इन्वेस्टमेंट आता है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके उनके सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और साथ ही साथ सपोर्ट बढ़ता है, तो उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हमें अपने 7% से कम, लेकिन 6% से भी कम नहीं, टारगेट को ध्यान में रखते हुए केपेक्स पे या इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना होगा, जिससे हम और लेवल एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए और लोगों को जॉब दे पाए, इकोनॉमी ग्रो करे। ना डिफेंस स्पेंडिंग प्लान्स विल बी क्लोजली वॉच्ड एज दे टेंड टू प्रून इन द रीसेंट पोल बजट्स। और ये जो बजट है वो ऑलरेडी 2024 में जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी सब हेडलाइन है वो कह रही है मस्ट बैलेंस इलेक्टोरल सिग्नलिंग विद फिजिकल प्रूडेंस। मतलब इलेक्टोरल सिग्नल 2024 और फिजिकल प्रूडेंस दोनों को मेंटेन करने वाली बात है, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज कि अब जो कस्टम हम बढ़ा देंगे और हम टैक्स ड्यूटीज को ध्यान में देंगे, जीडीपी को ध्यान में दे रहे हैं, पॉलिसी को ध्यान में दे रहे हैं, बट विद एन अनइवन रिकवरी इन कंजम्पशन होल्डिंग बैक द इन्वेस्टमेंट साइकिल। जो अनइवन रिकवरी है, जो कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में जो विदेशों की इकोनॉमी में भी रिकवरी उस लेवल से आनी चाहिए, जिससे क्या होगा टू एलिवेट द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन स्पेंडिंग पावर। सो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा और साथ ही साथ जो अनइवन रिकवरी है उन दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन पुट हम कोई जगह ले पाए। ध्यान दीजिएगा, द गवर्नमेंट हैज नॉट प्लेड टू दिस गैलरी मच इन दिस इनिंग्स, बट हैज बिकॉज इट इज नॉट वसीफेरस और कोहेसिव इंटरेस्ट ग्रुप सच एज फार्मर्स एंड कोऑपरेट। सो अभी जो 2022 का जो टाइम रहा है उसमें आप देखते हैं कि एक तरह का अनबैलेंस लेवल रहा है फार्मर्स लेवल पे भी, क्योंकि पेमेंट ने आप देखिए मनरेगा एक बड़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम है और कई स्टेट से रिपोर्ट आई कि वहां पर टाइम से पेमेंट नहीं हो पाई, जिससे वहां पर लेबर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको काम नहीं मिला पहली चीज, उसके साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट के बड़े बड़े ले ऑफ हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, तो एक अनबैलेंस वहां आया। साथ ही साथ जब ऐसा ले ऑफ कंपनीज, ले ऑफ कौन कर कौन रहा है, कंपनीज कर रही हैं और गवर्नमेंट के पास अब प्रॉपर, जब हमारे पास एक्सपोर्ट कम होगा और इम्पोर्ट ज्यादा होगा तो कैट पे प्रेशर आ रहा है, मतलब हमारी सरकार के पास भी इन्वेस्टमेंट की कमी होती है और साथ ही साथ जब प्राइवेट कंपनीज भी इस तरह के टमल्शुअस या एक अनइवन जो मतलब कुछ सर्टेन नहीं है उस लेवल पे जब काम करती है तो दिक्कत आती है। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो टाइम जो बजट है वो इस बात को स्ट्रीमलाइन करेगा कि किस दिशा में जाना चाहिए। पुटिंग मनी इन टू पीपल्स हैंड टू स्पर स्पेंडिंग एंड फैसिलिटेटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ वुड बी द बेस्ट बेट फॉर इंडिया टू ड्राइव इट्स ग्रोथ एंड इट अमिड अ टुमल्टुअस वर्ल्ड इकोनॉमी। जो अभी अभी कुछ पक्की सिचुएशन में नहीं है, यहाँ वहाँ डोल रही है, जो सिचुएशन अभी इवन नहीं है, तो ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में है। ये तो एक बैकग्राउंड है, लेकिन अभी देखेंगे जब डिस्कशन चालू होगा तो क्या होता है बजट में, वो हम आगे समझेंगे। आई होप दिस इज इन्फॉर्मेटिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है कि द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर अरुण मायरा ने और इज द ऑथर ऑफ अ बिलियन फायर फ्लाइज क्रिटिकल कंजर्वेशन टू शेप अ न्यू पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। इसके ऑथर हैं, इस बुक को याद रख सकते हैं हम लोग। नाउ वो कह रहे हैं कि डावोस में जो डिस्कशन हुआ तो उसमें एक चीज हाईलाइट होकर के आई कि पहला इंस्टेंस में तो ये बताया गया कि इंडियाज रोड टू अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसके बारे में बात हुई, चेयरमैन ऑफ टाटा सन ने ये बात बोली। फॉर मी दैट द थ्री थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट आर ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ। उन्होंने कहा कि जो टाटा सन्स के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि ग्रोथ 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 ही एक हमारे लिए बड़ा फिनोमेना है और इसको 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, ये डावोस में बात हुई। पर दूसरे इंस्टेंट में क्या बात हुई, अ रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली सेड 150 होमलेस पीपल हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम बीनीथ अ फ्लाईओवर बाय पुलिस हु हैड बीन डायरेक्टेड टू क्लियर द सिटी ऑफ बैगर्स
अहेड ऑफ वेरियस G20 इवेंट्स, मतलब G20 के इवेंट्स के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे से 150 लोगों को हटा दिया गया. उसमें बेगर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, है ना, टू बी हेल्ड इन द सिटी. द बेगर्स हु इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स, इन बेगर्स में वो ऐसे वर्कर्स भी हैं लाइक जो लोग बिल्डिंग बनाने में काम करते हैं और यहाँ पे शेल्टर लेकर के रह रहे हैं, या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं. ध्यान दीजिएगा, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो दो टाइप के सेक्टर्स में बटी है, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी का टॉपिक भी है. सो जो ये वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो जो सीजनल है, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जिनको कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि दो एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक जगह तो आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाह रहे हो और दूसरी जगह G20 के इवेंट को लेके या किसी भी इवेंट को लेके आप 150 लोगों को होमलेस करते हो जिनके पास काम नहीं है, उनमें बेगर्स भी हैं, उनमें वर्कर्स भी हैं. तो एक्चुअली हमारा पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरफ है, तो उसको कुछ पॉइंटर्स यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि जॉब डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मेलिटी. तो कह रहे हैं कि जो जॉब डिमांड है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, राइट, जिसमें से जॉब क्रिएशन हैज नॉट केप्ट पेस विद द डिमांड फॉर जॉब्स. तो जो जो जॉब क्रिएशन का जो पेस है वो डिमांड जो जॉब्स की है उनसे उसके बराबर नहीं है. उसके साथ ही साथ मोस्ट जॉब्स हार्डली पे इनफ एंड हैव नो सोशल सिक्योरिटी, और इतना वो पे नहीं करती कोई जॉब जिससे सोशल सिक्योरिटी आ पाए, लोगों के मन में रिलैक्स आ पाए. वाइल स्टैटिस्टिकल डिबेट कंटिन्यू अबाउट द नंबर ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड टू पिन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑन देयर प्रेजेंट नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस. सो कुछ यहाँ पर वो पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जो अभी जो पिछली सरकार की पॉलिसी रही, जो अभी की भी है, उसको कह रहे हैं कि ये जो मिसमैच चल रहा है ना कि जॉब चाहिए ज्यादा और जॉब उतनी है नहीं, और जो जॉब है वो इतना पे नहीं करती है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है. ये एक तरीके का इनफॉर्मल कल्चर क्रिएट करता है. ना कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स से, जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स कहती है दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट बी इम्प्रूव बाय यूजिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स. मतलब कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को लें, कैपिटल का मतलब हुआ कि हम किसी भी की सेक्टर में ज्यादा कैपिटल इनपुट करो, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तो इन सब प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है. ठीक है, कैपिटल का मतलब कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा इक्विपमेंट्स. ठीक है, एंड मूविंग पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज इनटू सिटीज एंड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और ये बात ये भी कहती है कि कैपिटल इंटेंसिव तो हो, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो शहर की तरफ आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, मॉडर्न सर्विसेज में आ जाए. क्या वो इस बात का सोल्यूशन है? एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो क्रंच बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर आर ऑल्सो एम्प्लॉइंग फ्यूअर पीपल. तो पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी है, उसमें भी क्रंच है. अगर सिचुएशन ऐसी है भी कि आप गांव से लाके लोगों को शहर में बसाना चाहते हो, नौकरी देना चाहते हो, तो कितने लोगों को सही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है. नाउ अब आप देखिए इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि लेबर कैपिटल जो रेशियो है वो कहाँ जा रहा है. ध्यान दीजिएगा, फिक्स कैपिटल जो GDP की जो लगती है लेबर इंटेंसिव जहां पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी कितना नीचे जा रहा है. और वर्कर्स टू GDP, वर्कर्स बढ़ रहे हैं. आप ध्यान दीजिए, वर्कर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन लेबर कैपिटल रेशियो, कैपिटल में जो लेबर्स का हिस्सा है वो गिर रहा है. ये 9-10 तक का डेटा है. और जो फिक्स कैपिटल है जो GDP की, ठीक है, वो भी गिर रही है. तो मतलब एक्चुअली हम वर्कर्स को तो बढ़ा रहे हैं पर उनके लेवल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. वो कह रहे ये पेज कहता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज यूजिंग लेस ऑफ लेबर मोर ऑफ कैपिटल. लेबर को कम यूज कर रहे हैं, कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं. जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को लेना चाहिए वो अपने आप में सक्सेसफुल मेथड नहीं है. आप ऐसी इंडस्ट्रीज को लाइए जहां लेबर्स का कंजम्पशन ज्यादा होता हो, वो अपने आप ही इनको जब काम करेंगे सैलरी मिलेगी तो इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी. नाउ स्ट्रिक्ट लॉ लार्जली द रीजन फॉर इंडस्ट्री ऑप्टिंग फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन. सो ये पिक्चर मुझे मिली है बिजनेस स्टैंडर्ड से, तो उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि लेबर टू GDP तो बढ़ रहा है पर उनके हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ रहा. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हमें आगे लेके आना चाहिए जहां पे लेबर्स का कंजम्पशन ज्यादा हो. इस पिक्चर ये मिंट द मिंट से मुझे पिक्चर मिली है. इसमें वो बता रहे हैं कि आप देखिए जो लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव, जो लेबर इंटेंसिव है ऑरेंज वाला वो नीचे जा रहा है, और साथ ही कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल इन्फ्यूज ज्यादा है और उसमें लेबर्स की खपत कम है. सेकेंड चार्ट में डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप लेबर्स को काम नहीं देंगे
तो आपका जो बाकी इंडस्ट्रीज भी डोमिनो का मतलब होता है कि एक गिरा उसके बाद सब गिरते चले जाएंगे लाइन से। सो अगर लेबर्स को आप काम नहीं देंगे, वो माइनस के नंबर्स में रहेंगे, तो बाकी इंडस्ट्रीज में सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि यही लेबर्स तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और आप देखिए चार्ट 3 में कह रहे हैं कि अ कॉज फॉर कंसर्न कि इम्पोर्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मतलब आप जो इम्पोर्ट करते हो वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ज्यादा करते हो, और उसमें है क्या, हाई जीएसटी की वजह से आप वहां पर जो इम्पोर्ट तो ज्यादा करते हो हाई पोस्ट जीएसटी, लेकिन उनका जो जॉब है उनको जो काम मिलता है वो उतना नहीं मिलता। आप ध्यान दीजिए कि एक्सपोर्ट देखिए कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है। इम्पोर्ट ही ऑरेंज वाला ये वाला हिस्सा है जिसमें टेक्सटाइल में 16.34, लेबर इंटेंसिव जिसमें 44.91 होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी में 59.6 होता है, और अदर्स। तो ये चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लेबर्स को इम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, तो बाकी चीजें भी धीमे धीमे गिर जाएंगी। नाउ अब वो कहते हैं कि पीपल पर जो अभी जो प्राइवेट सेक्टर है, ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर है वो भी लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है। पीपल पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर ओन लेबर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी से किसे हिसाब से पीपल पर यूनिट कंजम्पशन कम है। नाउ इंडियन इकोनॉमी इज पीपल प्रॉब्लम, जो इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, मेनी इकोनॉमिस्ट सेज इज अ लार्ज साइज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल का मतलब जिनको प्रॉपर समय से काम नहीं मिलता, प्रॉपर वर्किंग आवर्स नहीं है, वो टैक्स पे नहीं करते, और साथ ही साथ वो कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते हैं, तो उस वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के नंबर ज्यादा ही हमारी प्रॉब्लम है, जिसमें से आते हैं हमारे गिग वर्कर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्किल का मतलब एक लेवल तक हम एम्प्लॉय करते हैं, उसके बाद नीचे आ जाता है मामला। सो वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसकी जगह इकोनॉमी का जो जगह है ना, उसका जगह ले लिया इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ने, कि आप ये देख रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पुट करते जा रहे हैं, लेकिन हम गिग वर्कर्स को तो गिग वर्कर्स इकोनॉमी बना रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल में जाकर के एक समय पे ऐसा समय आएगा, आता है, जब आपका एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं बढ़ा तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़ा हर्डल बन जाता है। उसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, जो हमारा फॉर्मल इकोनॉमी में बहुत कम है, और जिसकी वजह से जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उनका कम है। जैसे कि आशा वर्कर्स का वो नाम लेते हैं कि दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज टीचर्स एंड आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स एसेंशियल सर्विसेज टू कम्युनिटी। वो कह रहे हैं कि फर्दर कंफ्यूजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का, इंडियन पॉलिसी का कंफ्यूजन क्या है कि जो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमी में बहुत कम है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई है। इंडिया फॉर्मल सेक्टर कैन नॉट क्रिएट इनफ गुड जॉब्स, मतलब अच्छी जॉब हम नहीं बना रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट हम भूल गए हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे आ गए हैं, गिग वर्कर्स बना रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोगों के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज में कंफ्यूजन है, और ये बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो मानते भी हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑर्गेनाइज टाइप में, जिसमें फॉर्मल जॉब का मतलब होता है रेगुलर सैलरी वर्क विद सम जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, और इनफॉर्मल का मतलब वो ऑर्गेनाइज में वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे गिग वर्कर्स का नाम जो लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्गेनाइज में भी होते हैं फॉर्मल में, बट जैसे गिग वर्कर्स है, जैसे कि आपको डिलीवरी बॉयज हैं या जब फूड डिलीवरीज हो गया, उन सबके वर्कर्स जो जिनको जो आप मानते हैं कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से ही उनकी जॉब शुरू होती है, वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं। ना अनऑर्गेनाइज में है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड, जिसमें फॉर्मल अनऑर्गेनाइज में भी फॉर्मल का मतलब हुआ कि जिनकी रेगुलर सैलरी है विद सम बेनिफिट्स इन एंटरप्राइज, और जिसका सम बेनिफिट्स का मतलब आपको कुछ इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन प्रॉपर टैक्सेशन प्रॉपर गाइडलाइंस आपको नहीं पता होती हैं। फॉर्मल तो है पर है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। साथ ही साथ इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज का मतलब वो ऑल टाइप ऑफ कैजुअल वर्कर्स फॉर डेली वीकली मंथली हर तरह का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आता है, और क्योंकि अनऑर्गेनाइज है और ये इनफॉर्मल जॉब्स हैं, मतलब सीजनल वर्कर्स भी यहाँ पर आते हैं, तो वो कंसिडर हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनफॉर्मल जॉब्स में। मतलब फॉर्मल का मतलब हुआ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में है, टैक्सेशन पे करते हैं, और आप साथ ही साथ रिकॉग्नाइज वर्कर हैं या स्किल या नॉन स्किल दोनों में। लेकिन अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि आप किसी भी गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते, इंप्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए आपको बाउंड नहीं है। साथ ही साथ मतलब इनफॉर्मल में, फॉर्मल में तो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे सेमी सेमी प्राइवेट जॉब्स होती हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं, उनमें कुछ बेनिफिट्स तो है लेकिन श्योरिटी नहीं होती है। सो ये दो दो चेंज जो जो डिफरेंसेस हैं वो हम एनसीईआरटी में भी समझते हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है।
सो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा रूरल और अर्बन वर्कर्स में डिफ्रेंसिएशन है, आप ध्यान दीजिए, वेज पेमेंट का ये एनएसएसओ का डेटा है, जिसमें रेगुलर वर्कर्स में आप देखिए रूरल में हमारे नंबर्स कितने ज्यादा हैं, ये हमारे मेल में, और ऑरेंज वाला है फीमेल में। तो आप देखिए फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन आप दोनों ही चीज में देखिए, कैजुअल वर्कर्स में, रेगुलर वर्कर्स में फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है। जैसे कि वो कह भी रहे हैं यहाँ पर कि जो फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, और जिसकी वजह से जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने से एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज गैप क्रिएट होता है, जो फीमेल पार्टिसिपेशन गैप की तरह भी देखा जा सकता है। नाउ अब फिर वो कहते हैं कि आप जो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, जो स्वराज अधिक पूर्ण स्वराज का मतलब सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स के लिए जो हम बात करते हैं इंडियंस के लिए, उसके लिए आपने जो जीडीपी का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है, इसका मतलब पूर्ण स्वराज भी है जहां पे सबको सोशली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकल फ्रीडम हो। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जीडीपी विथ मोर इन्वेस्टमेंट इज ईजियर देन चेंजिंग द शेप ऑफ इकोनॉमी, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना तो आसान है पर इकोनॉमी का शेप चेंज करना मुश्किल है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को इनहांस करना चाहिए। साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ जो डाउन साइज, अभी ग्रोथ ऑफ जीडीपी मतलब एक लाइक अ डिजीज की तरह है, वो कह रहे हैं कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ का जो नंबर्स है ना, वो एक बीमारी की तरह है जिसमें कई सारी चीजें ओवरराइड हो जाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू कमोडिटीज टू फीड द इकोनॉमिक मशीन, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक कमोडिटी की तरह यूज होते हैं। नेचर इज इन री इंजीनियर्ड फॉर मोर जीडीपी ग्रोथ, हम नेचर को भी री इंजीनियर करते हैं जीडीपी ग्रोथ के लिए, मोर डैम्स, मोर रोड्स, मतलब मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम देख भी रहे हैं हिमालय में जोशीमठ में क्या हुआ। सो जब ये सारी चीजें हम यूज करते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह जीडीपी के लिए, सो वो क्या है, वो एक तरीके कैपिटलिज्म नीड्स टू री इन्वेंट इटसेल्फ, एक तरीका कैपिटलिज्म का ही सब का एक भाग है जिसको री इन्वेंट करने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि हमें इन सब पैराडाइम्स पे भी, इन सब पॉइंटर्स पे ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में गैप है उन सबको पूरा करना चाहिए। G20 में अगर आप ये कहते, अगर G20 के हवाले से आप सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में, दैट इज गुड, बट आपकी जो बेसिक होमलेस लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो बेगर्स हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमी बनाने से आपको ये भी देखना चाहिए कि हम किन चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आर्टिकल काफी इंफॉर्मेटिव है, आपके प्री मेंस में काफी आपको हेल्प करेगा। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो प्री के हवाले से इंपॉर्टेंट, जैसे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, साथ ही साथ ये जो चार्ट है इसमें आपको समझना चाहिए कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें प्री में पूछी जाती हैं और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस को लेकर के, कि एक रिपोर्ट हमारी आई थी नवंबर 2022 में ग्राउंड वाटर के नंबर्स को लेकर, उसको उसके लिए ये चीजें मेंशन की गई है इस आर्टिकल में, और ये सुबोध यादव ने लिखा है, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि डेटा शो दैट इन दैट विद नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज अबाउट 2% ऑफ 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एंड कंज्यूम्स 4% ऑफ टोटल वाटर रिसोर्स। वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में 18% है, और हम कितना ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% ऑक्यूपाई करते हैं, और कंज्यूम कितना करते हैं, 4% टोटल वाटर रिसोर्स को हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये अपने आप में डेटा है जो आप मेंस में यूज कर सकते हैं, और प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड लेवल पे जो पानी की लेयर्स हैं, मिट्टी के लेयर है, वो सारे प्री में इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ एज ए वास्ट कंट्री इंडिया हैज डिस्टिंग द वेरीफाइंग हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग्स, ग्राउंड वाटर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज मीटिंग नियरली 80% ऑफ द कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर। और जो जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे एग्रीकल्चर पीने का पानी, रूरल अर्बन दोनों को मिला के हमारे 80% जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है पीने के पानी का, और जो पानी का कंजम्पशन है उसको कवर करता है जो है, एंड 2/3 ऑफ इट्स इरिगेशन नीड्स, और हमारे सिंचाई की चीजों को भी कवर करता है, जो नंबर चाहिए हमको। नाउ ग्राउंड वाटर इज पिविटल टू इंडियाज वाटर सिक्योरिटी, द फैक्ट दैट द थीम ऑफ यूएन वाटर वर्ल्ड डे 2022 में जो यूएन वाटर वर्ल्ड डे था उसका थीम क्या था, वॉज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल इनविजिबल विजिबल। ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है ना, ये आपसे पूछी जा सकती है कि 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से यूएन वाटर वर्ल्ड का जो थीम था वो क्या था, कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंस गिवन टू द रिसोर्स अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, अब इस रिपोर्ट की तारीफ वो क्या कर रहे हैं कि हमने काफी चेंजेस किए हैं हमारी सरकार ने, और जिससे हमारा जो इस बार की रिपोर्ट में जो पानी का लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो प्रेजेंटेशन है नंबर्स का, वो बेटर है।
कह रहे हैं कि हमने जल शक्ति का गठन किया, साथ ही साथ हमने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा जल शक्ति अभियान की जगह हमने जन शक्ति अभियान की तरफ लेके गए हैं, जिससे क्या हुआ है, जिससे जन शक्ति अभियान की तरफ, जिससे हम जो पानी को कैच करके, पानी को रोक करके रखना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, हमने बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से एक तरीके का सुधार है इस रिपोर्ट में, ये वो कह रहे हैं। नाउ अगर हम ध्यान दें कि हमारा पॉइंट नंबर 6 SDG का है, क्लीन वाटर सैनिटेशन, ध्यान रखिएगा SDG के सारे गोल्स हमें याद रखने हैं, प्री के पर्पज से और मेन के पर्पज से। सो नंबर 6 कहता है कि साफ पानी और सैनिटेशन, साफ सफाई जरूरी है, ये गोल नंबर 6 है। नाउ इसको ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि हमने इसमें साइंटिफिक अप्रोच को लिया है, जिसमें अटल भूजल योजना और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट को भी हमने ध्यान में दिया है, जिससे कि जो पानी का लेवल और उसके साथ ही साथ जो एक्वीफायर है, जिसमें पानी, जो पानी साफ करने से लेकर के कंजम्पशन तक का डेटा हमने मेंटेन किया है, विद द गोल ऑफ पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, जिसमें हम, जो हमारा गोल है कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो, और साथ ही साथ जो हमारा भूजल योजना है लुक्स टू इनकलकेट बिहेवियर चेंज मेड पॉसिबल बाय इंसेंटिवाइजेशन, मतलब लोगों को भी सैनिटाइज इस बात के लिए सेंसिटिव करना कि वो भी समझे कि एक्चुअली पानी को सही तरीके से यूज करना जरूरी है। नाउ एनए की UIM विच इज नियरिंग कंप्लीशन इन्वेस्टिगेट्स द मैपिंग ऑफ सब सब सरफेस वाटर, और जो हमारा जो एक्वीफायर मैनेजमेंट है, हमने ऐसे मैप्स को क्रिएट किया है, हमने सब सरफेस में जाकर के ऐसे मैप्स को बनाया है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और ये बताने के लिए जरूरी है कि पानी का कलेक्शन कितना है उस जगह, वो एक्वीफायर कितना बड़ा है, कितना उससे हम पानी और ले सकते हैं, और उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको पानी का कंजम्पशन कहाँ तक ले जाना है, और वो हमें डेटा कलेक्ट करने में भी कितना कितना सिग्निफिकेंस रखता है इस पॉलिसी में। याद रखिएगा NAQUIM को मत भूलिएगा, प्री में पूछा जा सकता है, और भूजल योजना भी प्री में पूछी जा सकती है। नाउ अराउंड 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कंट्री हैज बीन मैप्ड फ्रॉम द अवेलेबल मैपेबल एरिया ऑफ नियर 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वो कह रहे हैं हमने मैपिंग करी है, और साथ ही साथ हेलीबोर्न बेस्ड सर्विस, ये सर्वे याद रखिएगा, हेलीबोर्न बेस्ड सर्वे को लेकर के हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, हेलीबोर्न बेस्ड सर्वे को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनको एक्सप्लोर किया है और पानी के एक्वीफायर्स की मैपिंग करी है, जिससे क्या हुआ है कि हम ये समझ पाए कितना पानी है, कितना पानी हमें यूज करना है, और कितने एक्वीफायर्स को हमें अपने लेवल पे मैप करना है। नाउ डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट विल बी डन एनुअली एंड द ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमिटी रिवाइज असेसमेंट टेक्नोलॉजी। उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम INGRES हैज ऑल्सो बीन डेवलप्ड, हमने इसको भी डेवलप किया है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने रिसोर्सेज को एस्टिमेट करने का भी काम किया। आप देखिए इस पूरी साइंटिफिक अप्रोच में हम सिर्फ अवेयरनेस फैला पाए हैं, भूजल योजना में लोगों को सेंसिटिवाइज कर पाए हैं, और साथ ही साथ सिर्फ हम मैपिंग कर रहे हैं। आप देखिए इस आर्टिकल में कह रहे हैं हम मैपिंग ही कर रहे हैं। नाउ द कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर असेसमेंट इन 2022 इज इन अबाउट 5 मंथ। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल इस बात को कहता है कि हमने पानी को मैप किया है और पानी का असेसमेंट किया है कितना कहाँ अवेलेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट असेसमेंट देयर हैज बिन 3% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3% ही रिडक्शन हुआ है ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर में, जहां पानी को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट किया गया जाता है, यूनिट्स एंड 4% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेफ कैटेगरी, और सेफ कैटेगरीज को 3-4% इन्हांस किया है। मतलब इतनी पॉलिसीज के ये मैं अपनी एनालिसिस से बता कह पा रही हूँ कि इतना कुछ करने के बाद जो नंबर्स बदले हैं वो कितना है, 3% रिडक्शन और 4% इंक्रीज। ठीक है, अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे। उसके साथ वो कह रहे हैं द असेसमेंट आल्सो शोड अ रिडक्शन इन एनुअल एक्सट्रैक्शन में भी कमी आई हुई है, और BCM का मतलब होता है बिलियन क्यूबिक मीटर्स में। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है उसको समझेंगे। एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अब जो नीड क्या है हमारी सस्टेनेबिलिटी की, हमारी जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है, सब बोल रहे हैं, और हमें पानी का कंजम्पशन भी हमारा बढ़ने वाला है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर सोर्स सस्टेनेबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 अंडर द जल जीवन मिशन। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज अ बिगिनिंग एंड स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू मेक इंडिया अ वाटर सरप्लस नेशन। वाटर सरप्लस नेशन बनाने का हमारा जो 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 एम है, दस फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ की यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा
यूएनएसडीजी का गोल नंबर 6 है जिसको हम अचीव करना है, और साथ ही साथ हमें इस रिपोर्ट को और सुधारना है। अच्छा, जब मैंने इस रिपोर्ट को एक्सप्लोर किया तो देखा कि जो आर्टिकल है द प्रिंट की वेबसाइट पे, 14% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट्स ओवर एक्सप्लॉयटेड, 14% से ज्यादा जो पानी है वो ओवर एक्सप्लॉयट है, 4% क्रिटिकल है, ये रिपोर्ट कहती है। और जिसमें से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ओवर एक्सप्लॉयट की रेंज में आते हैं, और साथ ही साथ दिल्ली क्रिटिकल रेंज में आता है। नाउ लोकेशन से आप देखिए कि जो रेड वाला इलाका है ये वाला मेजोरिटी ओवर एक्सप्लॉयटेड है, और इसके साथ साथ जो है सेमी क्रिटिकल। आप ब्लू देखिए, जो जो स्काई ब्लू है वो कम ही है ये इलाका है, बाकी जो आप ये देखें डार्क वाला वो सेमी क्रिटिकल, ये देखिए सेमी क्रिटिकल इलाका है। इसमें आपको पढ़ना जरूरी है प्री और मेंस दोनों के पेपर से। और आप सिर्फ दिल्ली का अगर आप चार्ट देखिए उसमें रिपोर्ट में है 2020-22 के हिसाब से, सो आप देखें कि टोटल एनुअल एनुअल एक्सट्रैक्टेबल और एनुअल GWR का मतलब हुआ ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है हमारा, सो हमारा एक्सप्लॉयटेशन जो पानी का, जो हम पानी यूज ज्यादा कर रहे हैं वो कितना है, वो बढ़ रहा है। टोटल है 0.41, उसके साथ एक्सट्रैक्टेबल जो है वो भी हमारा ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है 2020-22 के हिसाब से, और 0.29 जो था वो भी हमारा 0.36 हो गया है एनुअल GWR। सो GWR का मतलब हुआ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, और BCM का मतलब हुआ बिलियन क्यूबिक मीटर। सो 2020 में टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर 0.32 था, वो बढ़ गया 0.41। उसके साथ आप देखिए कि 2020 में हमारा एनुअल एक्सट्रैक्टेबल कितना था, 0.29, वो भी बढ़ गया 0.37, ये दिल्ली की रिपोर्ट है। और जो हमारा GWR एनुअल जो है हमारा 20 में था 0.29 जो एक्सट्रैक्शन हुआ था, और इस बार जो एक्सट्रैक्शन है 0.36, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए दिल्ली क्रिटिकल है, क्योंकि जो सिर्फ इन दोनों को अगर ना देखें तो एक्सट्रैक्शन है पानी का 0.29 था दिल्ली में 2020 में, और अब है 0.36, ठीक है। तो उतना रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी रिन्यू होना भी तो जरूरी है, दिल्ली इसीलिए क्रिटिकल है। सो ये रिपोर्ट की सच्चाई, मतलब रिपोर्ट हम देख रहे हैं, तो आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़िए तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, इससे हमें इनपुट लेना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, तो उनका डेटा हमें लेना है, और साथ ही साथ जो रियल रिपोर्ट है उससे हमको मैच करना है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद, तब तक तैयारी करते रहिए।